यूपी में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने रणनीति बदल दी है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से हमारी संवाददाता निकिता सरी ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी ने युद्ध स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। ऐसे में प्रसपा की क्या तैयारी है, इसके बारे में जानने के लिए प्रसपा संयोजक शिवपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी है। सर, उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी है पार्टी की, क्या अकेले ही पार्टी लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे, इस पर थोड़ा सा जानना था। देखिए, उपचुनाव हम नहीं लड़ा रहे हैं और हमारी तैयारी है 2022, और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, अलायंस करेगी, तो अलायंस करके ही चुनाव हम लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम त्याग कर सकते हैं। चुनाव की बात करें तो चुनाव में छोटे राजनीतिक दलों का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, अब एक साल बचा है, लगभग एक साल बचा है जी। तो इसलिए हम नहीं लड़ाना चाहते हैं। अब दो बस एक साल बचा है तो पूरी शक्ति हम 2022 में लगाएंगे। सर, सपा से अखिलेश यादव जी की अगर बात करें तो वहाँ बात क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि बीच में ऐसी बात भी हो रही थी कि आप लोगों के बीच में सुलह हो गई है? देखिए, बातचीत है, हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है और बीच बीच में बात भी हो जाती है जी। लेकिन अभी तो लंबा समय है, अभी बहुत समय है और ये तो फिर समय आने पर ही फैसले होंगे। तो जैसा कि शिवपाल जी ने कहा कि उपचुनाव के फिलहाल नहीं, अब डायरेक्ट वो 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये जो पार्टी है वो शानदार प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिलहाल किस तरीके से रणनीति तैयार होती है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ मैं निकिता सरीन, R9 TV के लिए।